राम द्वारा रोड से राम स्नेही चिकित्सालय में अनुसंधान केंद्र पर स्वामी राम दयाल महाराज के अद्वितीय सेवा सुमिरन साधना रामचरण महाराज के 270वें दीक्षा पर्व पर मंगलवार को आउटडोर में निःशुल्क परामर्श का आयोजन किया गया। चिकित्सालय के मैनेजर दीपक लड्डा ने बताया कि 14 विभागों में निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। मेडिसिन विभाग, न्यूरो सर्जरी विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, नेत्र रोग विभाग, हृदय रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, दंत रोग विभाग, बाल एवं शिशु रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, लेबोरेटरी विभाग, लेप्रोस्कोपी एवं जनरल सर्जरी विभाग, एंथेस्टेटिक्स एवं क्रिटिकल केयर का लाभ मरीज ले रहे हैं। जगतगुरु स्वामी जी श्री एकेदार श्री रामदयाल जी महाराज का द्वारा में चतुर्मास चल रहा है और आज के दिन हमारे रामचंद्र संप्रदाय के प्रणेता स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज का 270वां दीक्षा दिवस है। इस अवसर पर रामचंद्र चिकित्सालय के आउटडोर में निःशुल्क परामर्श शिविर रखा गया है। इसमें हमारे जनरल मेडिसिन विभाग, ऑर्थोपेडिक विभाग, जनरल सर्जरी विभाग, दंत विभाग, शिशु रोग विभाग, महिला प्रसूति विभाग, आय विभाग, इनमें मरीजों को निःशुल्क परामर्श शाम को 7 बजे तक चले गए। दीपक गड्ढा। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने पूर्व विधायक राम रिचपाल, पूर्व सभापति नगर परिषद विनोद अग्रवाल, पूर्व सभापति नगर परिषद दीपिका कंवर के घर पर कमल पट्टिका का अनावरण किया। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि भीलवाड़ा जिले के वर्तमान एवं पूर्व जन प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर पर कमल पट्टिका लगाई जाएगी। कार्यक्रम में भवानी शंकर दुदानी, भाजपा जिला महामंत्री बाबूलाल टाक, कमल पट्टिका अभियान जिला संयोजक अनुराग कोठारी, जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, COVID-19 OBC मोर्चा जिला संयोजक राजेश सेन, डॉक्टर राजेंद्र छीपा, विजय अग्रवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कोरोना से लड़ाई को समर्पित कोरोना वॉरियर अनिल जैन की सेवाएं 5 माह बाद भी निरंतर जारी हैं। सुभाष नगर क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना पर वे तुरंत मरीज के घर पहुंच जाते हैं तथा मेडिकल व प्रशासनिक टीम के पहुंचने से पहले ही घर को सैनिटाइजर करते हैं। वे घर के दूसरे सदस्यों का भी हौसला बढ़ाते हैं तथा हर संभव मदद को तत्पर रहते हैं। माता साधु के लाल व गुज्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण जयंती के उपलक्ष में भगवान देवनारायण के मंदिरों में नीम की पत्तियों व ढोल नगाड़ों के साथ मंदिरों के शिखर पर ध्वजाएं चढ़ाई गई। वहीं महाआरती के साथ ही भगवान देवनारायण को खीर रबड़ी का भोग लगाया गया व प्रसाद वितरण कर हर्षोल्लास के साथ भादवी छठ मनाई गई। इस अवसर पर कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं की भारी कमी देखी गई। श्याम सुंदर त्रिपाठी ने बताया कि बागोर के निकटवर्ती ग्राम मोहब्बतपुरा में भगवान देवनारायण के मंदिर पर मंगलवार को भगवान देवनारायण की ध्वजा को भक्तों ने मिलकर मंदिर के शिखर पर बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनि संग भक्ति के सारोबार होकर चढ़ाई। इस दौरान महिलाओं ने नाच किया व पुरुषों ने भजन कीर्तन किया, वहीं बच्चों ने गुलाल अबीर भी उड़ाई। इसके पश्चात भगवान देवनारायण की महाआरती की गई और तुरंत बाद खीर राबड़ी का भोग लगाया गया। इस अवसर पर भैरुनाथ मंदिर के पुजारी बक्तू गाडरी, नारायण गाडरी, कन्हैयालाल गाडरी, सोहनलाल गाडरी, बोरियापुरा भूतपुर सरपंच राजमणि व्यास, विमला तिवारी सहित कई भक्तजन मौजूद थे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महेशपुरा में पौधारोपण किया गया। मुख्य अतिथि PEO अशोक कुमार श्रोत्रिय और राजेंद्र पारिक थे। विद्यालय में करीब 90 पौधों का रोपण किया गया। इस उपलक्ष में शाला संस्था प्रधान रेखा रानी सैन, भामाशाह कैलाश पारिक, MMC अध्यक्ष देवीलाल जाट, भगवान सिंह, सोनू जाट
और विद्यालय परिवार से निकिता कुमावत, मोनिका प्रेमलता जाट उपस्थित थे। संस्था प्रधान रेखा रानी सैन ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद अर्पित किया। विद्यालय के अध्यापक गोविंद राम व्यास ने बताया कि पिछले वर्ष 150 पौधे लगाए गए जो सभी जीवित और सही अवस्था में हैं, और इस वर्ष भी 90 पौधे लगाए गए। विद्यालय को हरा भरा करने का संकल्प लिया गया।